अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा का एक फैसला, शमी की खतरनाक गेंदबाजी, साथ ही साथ अर्शदीप पांड्या के तूफान और कोहली के चमत्कार से कैसे भारत ने जिम्बाब्वे को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंचते हुए पाकिस्तान की टीम को भी हरा कर रख दिया पॉइंट टेबल में, आपको बताएंगे और उसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में एमसीजी के ऐतिहासिक मैदान में एक और बेहद ही बड़ा और रोमांचक मुकाबला खेला गया। पाकिस्तान की टीम दोस्तों आज बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन साथ ही साथ उसने पॉइंट टेबल में भी भारत को पछाड़ा। तो भारत को जवाब तो देना ही था, लेकिन बहुत ही तगड़ा जवाब देना था और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, एमसीजी के मैदान में रोहित ने टॉस जीता बल्लेबाजी चुनी, खुद तो फ्लॉप हो गए, लेकिन आज मैदान में केएल राहुल और सूर्य का बल्ला कुछ ऐसा चला कि किसी और के चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों, केएल राहुल ने जहां अपनी पारी के अंदर छक्का चढ़कर 50 पूरा किया, तो वही दूसरी तरफ विराट कोहली भी 25 से 30 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे थे। परंतु दोस्तों, केएल राहुल 35 गेंदों में 51 रन चढ़कर गए और जब वो आउट हुए तब भारतीय क्रिकेट टीम की थोड़ी बहुत सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि दोस्तों पंत भी आते ही चल दिए थे। कोहली 26 तो पंत 3 और दोस्तों पांड्या भी 18 पर निपट लिए। लेकिन इस बीच अगर एक खिलाड़ी मजबूत स्तंभ बनकर भारत के लिए लड़ता रहा तो वो और कोई नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव थे, जिनकी बल्लेबाजी को देखने में आज सबको सबसे ज्यादा मजा भी आया। अपने करियर और भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से चौथा सबसे तेज 50 चढ़ते हुए वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने 206 चौके लगाए, 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और 250-300 के स्ट्राइक रेट से मात्र 25 गेंदों में 61 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली, जिससे भारत का स्कोर 5 विकेट गवा कर 186 तक पहुंच गया था और जीतने के लिए 187 रन की जरूरत थी अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे को। दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम जो वैसे ही कमजोर है, मतलब भारत के आगे कैसे चेस कर पाती, लेकिन इस बीच उन्होंने जैसे ही चेस करना शुरू भी किया तब रोहित शर्मा के एक चमत्कारी फैसले वो शमी की उम्दा गेंदबाजी ने आज उनके परखच्चे उड़ा के रख दिए। कैसे गेंदबाजी में भारत ने बाजी मारी, चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की पहली गेंद पर माधवीर नाम के खिलाड़ी को कोहली के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया। इसके बाद इस पूरे ओवर को मैडन भी निकाला। अगले ओवर में अर्शदीप ने एक विकेट अपने नाम कर लिया। अब इतना प्रेशर तो बन चुका था जिम्बाब्वे की टीम पर कि जीत पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन असली जीत की मोहर लगाई शमी की रफ्तार और उनकी टॉप क्लास गेंदबाजी ने। 200 पारी के छठे ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था। विलियम्स नाम का खिलाड़ी मैदान में खूब बड़े शॉट लगा रहा था, यहाँ तक कि शमी को भी छक्का जड़ दिया। तभी छठे ओवर की आखिरी गेंद डालने से पहले रोहित चुपके से शमी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं एक शॉट गेंद डालने के लिए। ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए दोस्तों शमी ऐसा ही करते हैं और ये बल्लेबाज इस पर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थर्ड मैन की तरफ एक बड़ा शॉट तो खेलता है, लेकिन गेंद जाती है सीधा भूवी के हाथ में और भूवी आसानी से कैच छोड़ते नहीं, जिसके बाद इस खिलाड़ी का विकेट मिलता है और उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिछ जाती है। अगले ओवर में दोस्तों पांड्या भी एक विकेट ले गए और फिर दोबारा से पारी के 8वें ओवर में दोस्तों शमी और रोहित की जोड़ी का जादू देखने को मिला, जहां शमी को इस बार रोहित ने पैड्स को टारगेट करने को कहा और उन्होंने मुनियोंगा नाम के खिलाड़ी को 5 रन पर LBW आउट कर दिया था। दोस्तों, अब 5 विकेट गिर चुके थे जिम्बाब्वे की टीम के, वो भी मात्र 36 रन पर। अब ये रोहित की उम्दा कप्तानी और शमी की उम्दा गेंदबाजी का ही तो नतीजा था। इसके बाद दोस्तों फासला बढ़ता गया, गेंद कम होती गई, रन बढ़ते चले गए और जब आपको 50 गेंद में 112 रन बनाने हो, सामने भारतीय सेना खड़ी हो अपनी खूंखार रफ्तार के साथ, तो मुकाबला जीतना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। दोस्तों, इसी तरीके से रोहित की पलटन ने उनकी कप्तानी के अंदर बड़ी शान से ना सिर्फ ये मैच जीता बल्कि 8 अंकों के साथ क्वालिफाई कर दिया है सेमीफाइनल में और पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही आप सभी को क्या लगता है रोहित और बाबर में कौन बेहतर है? वह भारत और पाक में मैच हुआ तो कौन जीतेगा, इसका भी जवाब नीचे देना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जब बीच मैच के दौरान एक फैन दौड़ा चला आया रोहित शर्मा से मिलने के लिए, तब दोस्तों रोहित शर्मा ने उसके लिए दिल खोल कर कुछ ऐसा कर दिया कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, बल्लेबाजी में भी 180 से ज्यादा रन बने, साथ ही 36 पर 5 विकेट करके हमारी जीत कंफर्म थी। हार्दिक पांड्या इस दौरान जब पारी का 17वां ओवर डाल रहे थे तब दोस्तों रोहित शर्मा से मिलने के लिए एक मनचला फैन मैदान में दौड़ा चला आया। हालांकि रोहित शर्मा ने उनसे अपने आप में दूरी बनाने के लिए इशारा कर दिया था, लेकिन उनका अभिनंदन भी किया अपने ही खास अंदाज में।
उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों उस फैन को बाहर ले गए, लेकिन रोहित शर्मा उस फैन के लिए वो सब कुछ कर चुके थे जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए। दोस्तों रोहित इसीलिए तो महान कहे जाते हैं, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 दिन पर दिन रोमांचक होता चला जा रहा है, और आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना अंतिम मुकाबला जीता तो वर्ल्ड कप की रौनक में 4 चांद लग गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी शान से अपने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़े प्राइड के साथ हर किसी को पछाड़ते हुए हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में राजा महाराजा वाली एंट्री ली है। कैसे दोस्तों हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम के नीचे है, कैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने सबको पछाड़ा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते थे कि ये वर्ल्ड कप शुरू से 2 गुटों में बटा हुआ था, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में भारत पाकिस्तान जैसी टीमें थी, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी मौका मिला था। और दोस्तों ग्रुप 1 में रखा गया था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को रखा गया था। अब दोस्तों ग्रुप 1 का तो फैसला हो चुका था कल ही, वहां से हमें 2 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके थे। आपको बता दें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में हमने यह भी देखा है कि ग्रुप 2 में हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम का दबदबा रहा है। दोस्तों फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में हराना हो या फिर छोटी दीपावली के दिन पाकिस्तान को धूल चटाकर इस तरीके से हराना हो कि वो एक सदी तक याद रखेंगे उस बात को। दोस्तों अंतिम ओवर में उस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने विराट कोहली के कंधे पर चढ़कर उस सांस रोक देने वाले मैच को जीता था। उनकी 83 रन की पारी भी अमर हो चुकी है। खैर दोस्तों उसके बाद हमारा सफर बढ़ा और हमने नीदरलैंड्स की टीम को 56 रन के अंतर से हराया, और साथ ही साथ दोस्तों आगे चलकर भले ही हम साउथ अफ्रीकी टीम से बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से फिर हम बांग्लादेश की टीम से जीते भी, और हमने सेमीफाइनल में पहुंचने पर लगभग मोहर लगा दी थी। लेकिन दोस्तों आज यानी कि 6 नवंबर के दिन में सब कुछ पलट गया। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका मैच हारकर बाहर हो गई, बल्कि भारत ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। लेकिन अब एक दांतों तले उंगलियां चबा देने वाली परफॉर्मेंस भारतीय क्रिकेट टीम ने फिर से दे डाली है इस विश्व कप 2022 में। दोस्तों एमसीजी के मैदान में जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने ना सिर्फ टॉस जीता बल्कि पहले बल्लेबाजी भी चुनी। बल्लेबाजी चुनकर भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कोई ज्यादा खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा तो खुद 15 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उनके बाद केएल राहुल ने बल्लेबाजी के मोर्चे को बखूबी संभाला। आज दोस्तों राहुल ने न सिर्फ अपना 50 पूरा किया बल्कि 35 गेंदों में 51 रन भी जड़ दिए थे। दोस्तों केएल राहुल की यही पारी साहस भर चुकी थी भारत के बाकी खिलाड़ियों में। हालांकि कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, 25 रन पर आउट हो गए थे। पांडे और पंत का भी फ्लॉप शॉट जारी था, लेकिन एक खिलाड़ी ने समा बंद कर रख दिया। आपने सही पहचाना, हम बात करें आज के असली विजेता सूर्य कुमार यादव की। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी ने दोस्तों न सिर्फ आज भारतीय क्रिकेट टीम की लाज को बचाया है, बल्कि दोस्तों इन्होंने आज जिम्बाब्वे की टीम को कुचल कर भी रख दिया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस दमदार पारी के दौरान सिर्फ 22 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया था। दोस्तों आज लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी में पूरे 6 चौके लगाए, 4 गगनचुंबी छक्के भी जड़े, और 225 गेंदों में 61 रन की वो नाबाद पारी खेल कर गए, जिससे उन्होंने भारत के इतिहास में वो चौथी सबसे तेज तर्रार 50 लगा दिया है T20 क्रिकेट में, जो कोई और क्रिकेटर नहीं कर पाया। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड सूर्य के नाम हुआ, और दोस्तों इसी के चलते आज भारत का स्कोर 180 के पार जा पाया। हमने विरोधी टीम को 187 का लक्ष्य भी दे दिया दोस्तों, और इस 187 के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम अभी मैदान पर खड़ी भी नहीं हुई थी ढंग से आकर कि भुवनेश्वर ने पहले ओवर में विकेट लिया और मैडन ओवर भी दिया। अगले में अर्जीप ने विकेट लिए, और आगे चलकर दोस्तों शमी ने भी कुछ खास उम्दा खिलाड़ियों को आउट कर दिया जिम्बाब्वे के, जिसके बाद उनके 36 पर 5 विकेट हो गए थे। दोस्तों जीत पर भारत की मोहर लगाई फिर हार्दिक पांड्या ने भी एक और अतिरिक्त विकेट लेकर। हालांकि बीच में दो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी 34 और 35 रन की पारी जरूर खेल गए, लेकिन उससे क्या ही फायदा था, क्योंकि दोस्तों भारत ने इस मुकाबले को पूरे 71 रन के अंतर से जीता, और ऐसी उजंप मारी है ना पॉइंट टेबल में कि पाकिस्तान की टीम भी देखती रह गई और दंग रह गई होगी। लेकिन दोस्तों पॉइंट टेबल में भारत तक आखिरी बार क्या उछाल लाया है, आपको वो सब बताएंगे, पॉइंट टेबल का वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि ग्रुप 2 की पॉइंट टेबल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। दोस्तों ग्रुप 2 की पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे नीचे जिम्बाब्वे की टीम ही है, 5 में से मात्र 1 मैच जीत पाई, टोटल तो 3 अंक ले लिए, लेकिन इनका नेट रन रेट -1.1 है। इनसे ऊपर दोस्तों बांग्लादेश की टीम आती है, जिसने 5 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक तो सुरक्षित किए थे, लेकिन नेट रन रेट -1.1 इनका भी रहा। तो वही चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स की टीम आती है,
जिन्होंने आज अफ्रीकियों को हरा कर 200 वर्ल्ड कप से बाहर तो किया ही, साथ ही 4 अंक भी कमा लिए अपने। 5 में से 2 मैच जीते लेकिन नेट रन रेट -0.8 का। तो वहीं दोस्तों जाते जाते तीसरे पायदान पर अपनी जगह को सुरक्षित करके गई है साउथ अफ्रीकी टीम। 5 में से 2 मैच जीते लेकिन एक रद्द होने का अंक मिला तो पूरे 5 हो गए, लेकिन नेट रन रेट भी पॉजिटिव था। उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप से तो बाहर ही है और दोस्तों दूसरे पायदान पर अब फिर से नीचे लुढ़क कर आ गया है पाकिस्तान, जो उनकी असली जगह है। 5 में से 3 मैच जीते, 6 अंक तो कमा लिए लेकिन नेट रन रेट 1 से ज्यादा है और दोस्तों नंबर 1 पर भारतीय क्रिकेट टीम है। दोस्तों नंबर 1 पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 में से अपने पूरे 4 मैच जीते हैं। इनके पास पूरे 8 अंक है, जो कि पूरे विश्व कप में किसी भी टीम के पास नहीं है। और इनका नेट रन रेट भी +1.9 हो चुका है, जो पाकिस्तान से कोसों आगे है। दोस्तों ये दर्शाने के लिए काफी है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से क्या, भले ही फाइनल में किसी भी टीम के साथ क्यों ना पहुंचाए, जीतेगी तो वही। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अगर गलती से भी भारत पाक का फाइनल हो गया तो कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।